जल्दी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख से जुड़े फर्जीवाड़े बीते दिनों की बात हो जाएंगे। फिलहाल ग्राहकों को ये यकीन करने में बड़ी मुश्किल आती है कि जिस प्लॉट को या जमीन के टुकड़े को वो खरीदने जा रहे हैं उस पर किसी और का वाजिब या गैर वाजिब अधिकार तो नहीं है। दरअसल फ्लैट्स के मामले में तो फिर भी भरोसा किया जा सकता है, लेकिन जैसे ही मामला प्लॉट खरीदने का आता है तो समझ नहीं आता कि ये प्रॉपर्टी भरोसेमंद है भी या नहीं। अब केंद्र सरकार जल्द ही ऐसा कानून बनाने जा रही है जिसके बाद संपत्ति की फर्जी खरीद फरोख पर लगाम लग जाएगी। आवास और शहरी विकास मामलों के मंत्रालय ने किसी प्लॉट को एक से ज्यादा गैर कानूनी रजिस्ट्री को रोकने की पहल की है। संपत्ति की फर्जी बिक्री की समस्या से निपटने के लिए भूमि स्वामित्व यानी लैंड टाइटल अधिनियम बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। उम्मीद है कि इससे जमीन और मकान सहित दूसरे प्रॉपर्टीज की खरीद फरोख और रजिस्ट्री में फर्जीवाड़े को रोकने के पुख्ता इंतजाम किए जा सकेंगे। इस कानून में संपत्ति पंजीकरण प्राधिकरण गठित करने का प्रावधान होगा। सबसे पहले दिल्ली की लैंड पूलिंग पॉलिसी में एक ही जमीन की कई रजिस्ट्री होने से इस समस्या की गंभीरता का खुलासा हुआ था। कानून का मकसद देश में जमीन के हर हिस्से को एक खास रजिस्ट्रेशन नंबर तय करके इन आंकड़ों का डिजिटलीकरण करना है। सरकार ने 2008 में शुरू किए गए राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत देश भर में प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन से जुड़े आंकड़ों को डिजिटल रूप में इकट्ठा करने का काम शुरू कर दिया था। केंद्रीय कानून बनाने के बाद अब राज्य इसे अपनी सहूलियत के हिसाब से लागू कर सकेंगे। दिल्ली सरकार ने सबसे पहले 2008 में लैंड टाइटल बिल बनाया था। दिल्ली विधानसभा ने इसे 2010 में दिल्ली शहरी क्षेत्र अंचल संपत्ति स्वामित्व पंजीकरण विधेयक के नाम से पारित करने केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजा था, लेकिन गृह मंत्रालय ने 2013 में इसे मंजूरी देने से इनकार कर दिया। अब केंद्र सरकार नए सिरे से पूरे देश में संपत्ति के पंजीकरण और सर्वे की एक समान प्रक्रिया अपनाएगी। संपत्ति संबंधी फर्जीवाड़े को रोकने के लिए जमीन के मालिकाना हक के राष्ट्रीय स्तर पर जुटाए गए आंकड़ों को एक साथ करके इस समस्या से निपटने की कोशिश की जाएगी।